सफर की शुरुआत हो रही है भोपाल के रेलवे स्टेशन से। मैं जा रहा हूँ मलेशिया का कुआलालंपुर शहर। यहाँ से मेरी ट्रेन है जिससे मैं विशाखापट्टनम पहुँचूँगा। क्योंकि बजट ट्रैवलिंग करना मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने अपनी फ़्लाइट जो की जो बुकिंग कराई है वो विशाखापट्टनम से कराई है। और मेरा दोस्त भी मेरे साथ है यहाँ पर, विवेक, ये मेरे साथ जा रहा है विशाखापट्टनम। वहाँ से हम लोग साथ में कुआलालंपुर के लिए निकलेंगे। ट्रेन मुझे पकड़ना है अभी S4 कोच है मेरा। अभी समय हो रहा है 7:05 और मेरी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम आई है। इंडियन रेलवे टाइम से ट्रेन पहुंच रही है। S4 क्या नंबर है? हाँ करता हूँ, क्या नंबर है? 22 समय हो रहा है 6:55। 23 घंटों के सफ़र के बाद मैं पहुंच चुका हूं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। मैंने पहले से यहां पर होटल की बुकिंग कर रखी थी। अभी यहां से मैं होटल जाऊंगा और होटल के बाद वहां देखता हूं जितना भी समय बचता है, अगर समय मिलता है तो कुछ जगह देखने जाऊंगा रात में भी, नहीं तो कल का भी दिन मेरे पास है। कल भी पूरे समय मैं विशाखापट्टनम को एक्सप्लोर करने में बिताऊँगा और फिर वहाँ से आगे मलेशिया का मेरा सफ़र शुरू होगा। समय हो रहा है 8:55 और मैं आ गया हूँ विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट नंबर 3 पर। अपनी फ्लाइट से करीब 3 घंटे पहले यानी 7 बजे के आसपास मैं एयरपोर्ट पहुँच गया था। और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद इमिग्रेशन पर मेरा पासपोर्ट लिया, वीज़ा लिया और पासपोर्ट पर सील लगा कर मुझे वापस कर दिया। उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप हुआ और सिक्योरिटी के बाद मैं यहाँ बोर्डिंग गेट पर आ गया। Ladies and gentlemen, we have just landed at Kuala Lumpur International Airport. The information and disembarking will be at LCC Terminal 1, Kalahi 2.
वेलकम टू मलेशिया। पहुंच गया हूँ मलेशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। समय हो रहा है लोकल टाइम लगभग 4:30 बजे और भारत में इस वक्त समय हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं। करीब 3:15 घंटे की मेरी फ्लाइट थी। बाकी इमिग्रेशन की प्रोसेस पूरी करूँगा और वहाँ से आगे कस्टम्स और फिर मुझे KL सेंट्रल जाना है, तो मालूम करूँगा कि कौन कौन सी बसेज यहाँ से अवेलेबल हैं। विवेक किधर अब कहाँ जाना है? इमिग्रेशन। यस चलो फिर बताओ। कंटिन्यू सेविंग्स हाँ लाल भी 600 वॉट रिंगिट मिलेंगे विवेक। रिंगिट मिल गए, मैं अमीर हो गया। कितना चार्ज लगा देख रहा? चलो हो गया 600 रिंगिट। पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी इतना सारा पैसा। मैं आ गया हूँ सिम खरीदने के लिए। व्हाट आर द प्लान्स अवेलेबल फॉर 7 डेज एंड फॉर 15 डेज फॉर टूरिस्ट? इन RM20 व्हाट आई विल गेट? 9 GB। ओके एंड प्लस 20 मिनट्स कॉलिंग। This Jio. 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 Is it good coverage in India? Jio? Yeah, very good coverage. And in cheap rates also. There are so many tourists from India using Jio. Yeah. Jio, when Jio launched, Jio, they give free calls and free internet. Oh, really? Okay. डीजी की प्रीपेड सिम खरीदी है यहाँ से और ये मुझे मिली है 7 दिनों के लिए 20 रिंगिट में। इसमें मुझे मिला है डेटा 9 GB का, लेकिन 2 GB जो डेटा है वो मैं अदर यूज़ कर सकता हूँ और जो बाकी 7 GB जो डेटा है वो फेसबुक, वीचैट और व्हाट्सएप के लिए है। इसके अलावा 20 मिनट्स का यहाँ पर टॉक टाइम दिया है। डीजी सिम के अलावा भी यहाँ पर और भी मोबाइल कंपनीज हैं जो टूरिस्ट सिम प्रोवाइड कराती है। आप इन शॉप्स में भी यहाँ पर मालूम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिसमें आपको फ़ायदा मिल रहा है, जिस भी प्लान में फ़ायदा मिल रहा है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, अगर आपके डिवाइस डिस्चार्ज हो गए तो यहाँ से आप ईजीली चार्ज करते हैं डिवाइसेस को और फिर आगे बढ़ सकते हैं। इधर से जाना है लेवल 1।
किसने बताया तुझे? मुझे अंकल ने बताया अपने हिंदी भाषा में बोले। क्या मिलेगा लेवल वन पर? लेवल वन पर हमें मिलेगी बस जो हमें पहुँचाएगी। कहाँ पहुँचाएगी? होटल तक। कहाँ पर है होटल? केएल सेंटर। हाँ केएल सेंटर। केएल सेंट्रल। सेंट्रल हाँ केएल सेंट्रल। अच्छा अभी हम लेवल टू पर है। लेवल वन पर हमें जाना है डाउन साइड। मिल गया लेवल वन। लेवल वन पर आपको ये बस और टैक्सी काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको जहाँ भी जाना है अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन लेकर के टिकट खरीद सकते हैं। How much for KL Central? 12. Yeah. 2. 25. What is the time? 5:45 now. 5:45. Okay. Outside A5. Go now. A5. Okay. Outside now. Thank you. बस का टिकट मैंने ले लिया है और ये टिकट मुझे पड़ा है 12 रिंगित का। प्लेटफॉर्म इस टिकट पर लिखा हुआ है A5, सीट नंबर 12 है और सुहासना एयरपोर्ट कोच ये बस है। सेंट्रल जाना है मुझे और प्लेटफॉर्म A5 पर मैं खड़ा हूँ। यहीं से मेरी बस मुझे मिलेगी। 5:45 का टाइम था बस का लेकिन अभी तक आई नहीं है। वेट कर रहा हूँ। केएल सेंट्रल पर करने के बाद मैंने वहाँ से लोकल फ्री बस ले ली थी और उसने मुझे ये लोकेशन है विवेक कौन सी लोकेशन है ये जलन टुनका यहाँ छोड़ दिया है और हॉस्टल यहाँ से नज़दीक ही है। मैं बस 1.3 किलोमीटर गूगल मैप में दिखा रहा है तब मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ।
फाइनली पहुंच गया हूं मैं अपने फ्रेंड्स पर्क हॉस्टल में। मेरा चेकिंग टाइम दोपहर के 2 बजे का है, लेकिन अभी जो समय हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अब मैं जाकर देखता हूँ हॉस्टल में कि क्या वो मुझे अलाउ करते हैं 2 बजे के पहले, और बाकी फिर आगे का जो भी घूमने का प्लान रहता है वहाँ पर पूछ करके तय करूँगा।